अरे मुन्ने वाह, क्या बात है तेरी। अरे क्या कबूतरी लाया रे, मैं आ गया, मजा आ गया भाई। समझ भी नहीं आता कि हालात किस तरफ का रुख कर रहे हैं। अल्लाह अपना करम करे, अल्लाह खैर करे। हेलो, क्या ये कब? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ। और ये अच्छा, चलिए चलिए, मैं आके फिर आपसे बात करता हूँ। ओके, मैं आ रहा हूँ, आता हूँ जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा। ज़ैनब बेटा, ये चाय फिलहाल रहने दो, वो एक दोस्त यहाँ फौजी हो गई है तो मैं वहां जा रहा हूं। अभी एक दोस्त को भी इन्फॉर्म करता हूं, तुम कुंडी लगा लेना। हेलो अमजद भैया, क्या हाल है बेटा? अच्छा, ऐसा है कि गफार के यहां वो बच्ची की फौत हो गई उनकी। हाँ, इंतकाल हो गया उनका। बस बड़ा जाहिर है बीमार थी जो भी था जी। हाँ बेटा, तो ऐसा मैं निकल रहा हूँ घर से, तुम पहुंचो वहां पर, ठीक है? हाँ बेटा, मैं वो इंतजार करूंगा फिर। चलो बेटा, ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जैनब कहाँ जा रहे हो बेटा? मदरसा? मदरसा जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, अच्छा हुआ मैं वक्त पे आ गया। ठीक है। अमजद अंकल की हालत बहुत ख़राब है, उनकी बच्ची की डेथ हो गई, आपको तो मैं बता के गया था। उनको, उस बच्ची को किसी उसकी दोस्त ने कुछ खिला दिया है, ऐसे हालात हो गए। और मैंने तुमसे कहा था कि दरवाज़ा बंद करना, दरवाज़ा खुला हुआ है, ख्याल रखा करो। और हाँ बेटा, किसी पर भरोसा मत करना, किसी दोस्त से, किसी सहेली से, किसी से भी कोई चीज़ खाने का नहीं है आपको, कि वो चॉकलेट दे दे, कोई चीज़ दे दे, मत खाना, ठीक है? और अपना ख्याल रखो और भरोसा मत करना किसी पर। सीधा मदरसा, मदरसे से घर। चलो मेरे बेटा, शाबाश, मैं इंतज़ार करूँगा, जाओ। या अल्लाह परवरदिगार, मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना मेरे मालिक, हिफ्ज़ो अमान में रखना, उसकी हिफाजत फरमा परवरदिगार उसकी।
जैसे है और मैंने मना किया था, मैंने मना किया था। खैर हो सकता है, हो सकता है मदरसे में कोई ज़ैनब, बेटा, बेटा मैं कहाँ ढूंढूं तुम्हें, बेटा कहाँ चली गई तू, किस तरफ जाऊं मैं। ये कौन सी जगह है? ये अपना ही घर समझो, बस आपने घबराना नहीं है, यहाँ से हम जल्दी ही जाएंगे। आप यहाँ पे बैठ जाओ, आइए यहाँ पे बैठते, अपना ही घर समझो, ये मेरे दोस्त का घर है और ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं एक गाड़ी का बंदोबस्त कर रहा हूँ और फिर हम जाएंगे, जल्दी जाएंगे, तकरीबन दो मिनट में मैं गाड़ी ले के आ रहा हूँ। और एक बात याद रखना, मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? ठीक है, ये बात जरूर, पावर ऑफ रखना, मोबाइल पावर ऑफ है ना? हाँ गुड, इसको पावर ऑफ रखना, ठीक है? ठीक है, मैं दो मिनट में आ रहा हूँ, ठीक ठीक। अच्छा सुनो, जल्दी आना, मुझे बहुत डर लगा है। मुन्ने वाह, क्या बात है तेरी, अरे क्या कबूतरी लाया रे, मैं आ गया, मजा आ गया भाई, इसका मतलब है कि मेरे 50,000 जाया नहीं गए। वाह वाह, लश पश कौन है तुम? और शुक्रिया, मैं तो तुम्हारा असल मालिक हूँ। क्या मतलब इब्राहिम का है? वो तो चला गया तुम्हारे 50,000 रुपया वसूल करके, गया फुर हो गया यहाँ से। क्या हो गया, पैसा तो ना करो जाने मन। We'll be right back.
बड़ी तेज थी यार ये तो, और मैं तो ऐसे छोटी सी कबूतरी समझ रहा था। कहाँ ढूंढूं मैं, या अल्लाह मैं कहाँ ढूंढूं अपनी बच्ची को? मेरे मौला, या अल्लाह, परवरदिगार, मेरी बच्ची, मेरी ज़ैनब। ज़ैनब, बेटा ये क्या तुम खुदकुशी कर रही हो? अरे बेटा, खुदकुशी हराम है। अगर इंसान से गलती हो जाए तो कम से कम बड़ों को पता चल जाना चाहिए कि इसने गलती की है, और ख़त्म हो जाती है बात। बेटा मैं जालिम तो नहीं हूँ, तुम मुझसे डरती हो? बेटा मैंने तुम किस तरीके से फूलों की तरह पाला है? अरे बेटा मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जब तुम पैदा हुई थी बेटा, तो तुम्हारी माँ से मैंने कहा था कि तेगो 5 बेटियां पहली हैं, ये बेटी जो है ये है आखिरी मेरी बेटी, और बेटियां बाबरकत होती हैं, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, बेटियां जो हैं अपने साथ अपना रिस्क लेके आती हैं, और माँ बाप कितने खुश होते हैं अपनी बेटियों पे। लेकिन बेटा बेटा तुमने अपने बाप का नहीं सोचा कि ये तेरा बाप अब किसके सहारे जिंदा रहेगा? बेटा कहाँ से डाऊंगा मैं दूसरी ज़ैनब मेरे बच्चे? ऐसा नहीं करना, ये हराम है, ऐसे मत करना, ये मुझ पे जुल्म कर रही हो बेटे, गुनाह है। बेटा मैं तुम्हारे आसरे पे जिंदगी गुजार रहा हूँ मेरे बच्चे। ठीक है बेटा, अगर तुमने खुदकुशी का सोच लिया है तो शौक से कर लो खुदकुशी, लेकिन अपने बाप की तरफ देखो बेटा। हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे आगे मेरा बच्चा, मेरे मरने के बाद तुम बेशक खुदकुशी कर लेना। नहीं बाबा, क्या आप इस दुनिया में एक बचलन बेटी के साथ जिंदगी गुजार लेंगे? क्या ये दुनिया आपको जीने देगी? बेटा तुम्हें बचलन कहने वाले पहले अपने गरीबानों में देखे। बेटा इसकी परवाह मत करो, दुनिया बड़ी है और दुनिया बहुत बातें करती है, जितनी मुंह उतनी बातें। आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ घर चलते हैं बेटा, आ जाओ, आ जाओ।